पाकिस्तान में ऐतिहासिक जीत का हिस्सा रहा ये खिलाड़ी, अब जाएगा जेल। टीम में बने रहने पर लटकी तलवार। रावलपिंडी टेस्ट में बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ 10 विकेटों से जीत अपने नाम की। अब सीरीज का दूसरा और आखिरी मैच 30 अगस्त से खेला जाएगा, लेकिन इस मैच से पहले एक खिलाड़ी के करियर पर बड़ा फैसला आना है। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के लिए 25 अगस्त का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। बांग्लादेश ने रावलपिंडी टेस्ट मैच जीतकर पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार टेस्ट क्रिकेट में बाजी मारी है। इसी के साथ बांग्लादेश ने 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। दोनों टीमों के बीच सीरीज का दूसरा मैच 30 अगस्त से खेला जाएगा। इस मैच पर सभी की नजर रहने वाली है, लेकिन इस मुकाबले से पहले सभी का ध्यान बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पर है, क्योंकि वह जल्द ही एक बड़ा फैसला सुनाएगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड लेगा बड़ा फैसला। दरअसल रावलपिंडी टेस्ट मैच के बीच बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) को एक कानूनी नोटिस भेजा गया था, जिसमें पूर्व कप्तान शाकिब अल हसन को राष्ट्रीय टीम से तुरंत हटाने की मांग की गई थी। दरअसल शाकिब अल हसन पर हाल ही में हत्या में शामिल होने का आरोप लगा है। बांग्लादेश में हुए आंदोलन के दौरान एक स्टूडेंट की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस स्टूडेंट के पिता ने ढाका में FIR दर्ज कराई है, जिसमें शामिल समेत 147 लोगों पर आरोप लगाया है। ऐसे में एक कानूनी नोटिस में ICC नियमों का हवाला देते हुए शाकिब को टीम के बाहर किए जाने की बात की गई है। BCB के अध्यक्ष फारूक अहमद का बड़ा बयान। इस मुद्दे पर रावलपिंडी टेस्ट के दौरान बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष फारूक अहमद ने बयान भी सामने आया था। उन्होंने शेरे बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में अपने कुछ बोर्ड निदेशकों के साथ लंबी बैठक के बाद कहा था कि वे 30 अगस्त को रावलपिंडी में पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले दूसरे टेस्ट से पहले शाकिब पर फैसला लेंगे। ऐसे में शाकिब आने वाले मैच के लिए बांग्लादेश की टीम में खेलते हुए नजर आएंगे या नहीं, इसका फैसला अब कभी भी आ सकता है। फारूक अहमद ने शाकिब अल हसन को चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर वह टीम की तैयारियों के लिए बांग्लादेश में आयोजित शिविर में हिस्सा नहीं लेते हैं, तो उन्हें शाकिब के भविष्य को लेकर फैसला लेना होगा। दरअसल पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज से पहले शाकिब ने तैयारी शिविर में हिस्सा नहीं लिया था। वह उस समय विदेश में थे और सीधा पाकिस्तान पहुंचे थे। रावलपिंडी टेस्ट में दमदार प्रदर्शन। पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट में शाकिब अल हसन का प्रदर्शन काफी शानदार रहा। उन्होंने मैच की पहली पारी में एक विकेट हासिल किया था, वहीं दूसरी पारी में उन्होंने 3 विकेट झटके, जिसके दम पर बांग्लादेश की टीम इस पारी में पाकिस्तान को 146 रन पर ढेर करने में कामयाब रहा। वहीं बांग्लादेश ने मैच की आखिरी पारी में 30 रन का टारगेट चेस करके 10 विकेट से मुकाबला अपने नाम किया।